हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे आज का अपना गार्डन वर्क शेयर करूंगी, जो कि मैं विंटर प्लांट रिपोर्टिंग की तैयारी कर रही हूं। वही कुछ ज़रूरी काम शेयर करूंगी। सबसे पहला काम तो मैंने किया, जो मिट्टी मेरी गीली हो गई थी, ये बोरी में मैंने भर के रखा था शेड के नीचे। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती, इसी बोरी में भर के मैंने रखा था, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो बौछारी का पानी जाके ये मिट्टी मेरी पूरी गीली हो गई है। तो इसको मैंने आज धूप, कई हफ्तों बाद धूप खुली है, कई दिन बाद, तो इसको मैंने जो है आज धूप में इसको डाला। ये मेरी पत्तियों की खाद जो बन रही थी और बन के तैयार है, देखिए, ये मैंने इस घड़े में बनाया था, इस घड़े में, और घड़े में से खाली करके मैंने इसको धूप में डाल दिया है। ये मेरी गोबर की खाद, चाहे यहाँ रखी चाहे वहाँ, जहाँ ज़्यादा सी है वहाँ भी इतना पानी बारिश होने से सब गीली हो गई है, भीग के बिल्कुल पानी में तर हो गई है। तो इसको भी मैंने धूप में डाला है, वो उतना कंडा जो मैं उपले की खाद फर्टिलाइजर बनाती हूँ, तो इसको भी मैंने धूप में डाल दिया है। और ये मैंने बनाना पेल फर्टिलाइजर बनने के लिए फिर डाल दिया है, और एक पैकेट में मैंने बना दिया है इसके ड्राई, केवल बनाना पेल की फर्टिलाइजर बनने के लिए मैंने पैकेट में बना के रख लिया है, अभी आपको दिखाऊंगी। और इसमें मैंने खीरे का छिलका, आजकल नवरात्र चल रहा है तो हर घर में फ्रूट्स, खीरा, ये सब खूब आता होगा, तो उनके छिलकों को आप फेंकिए नहीं। हालांकि मेरे घर फेंका नहीं जाता, मेरी गैया है गौरी, उसको खिला दिया जाता, लेकिन अपना फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैं थोड़ा बहुत रख लेती हूँ। इस तरह से खीरे का, खीरे के छिलके में बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वैसे आयरन, कैल्शियम सब पाया जाता है। तो इसको जो है, इसकी भी फर्टिलाइजर आप 3 दिन भिगोने के बाद दीजिए, देखिए आपके बनाना पील फर्टिलाइजर के साथ इसको मिक्स करके देने से हमको 10 गुना फायदा मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों फर्टिलाइजर मैंने बनाई। और यहाँ मैंने ये अशोक का प्लांट मेरा बड़ा सा है, इसी के नीचे छाए में मैंने रख दिया है, इसको भी मैंने रख दिया है। ये देखिए, इसमें मैंने प्योर बनाना पील फर्टिलाइजर बनाई है, इसमें नमकीन के पैकेट में, और इसको जिप लगा के रख दिया है। ये महीना डेढ़ महीने में बन जाएगी, फिर मैं अपने विंटर प्लांट्स में इसको यूज़ करूँगी। फ्रेंड, ये देखिए मेरा अंगूर, अंगूर पे देखिए वाइट कलर की अपराजिता। तो आज मैंने छत पे आके यही सब किया है, आज कई दिन बाद, हफ्तों बाद, 10 दिन बाद धूप निकली। फ्रेंड, देखिए बनाना पील का एकदम प्योर पोटेशियम युक्त खाद मैं बनाती हूँ, इस तरह से आपको बना के दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए बनाना पील्स के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, वैसे सीधा भी डाल सकते हैं आप ऐसे पूरा छिलका, लेकिन ये मेल्ट होने में बहुत दिन लगेगा इसको डिकम्पोज होने में, इसलिए जितना ही छोटा पीस हो, पीसेज होंगे उतना ही जल्दी ये हो जाएगा, जल्दी मेरी खाद बनेगी। देखिए मैंने पूरा बनाना पील काट लिया है, देखिए छोटे छोटे टुकड़े में अभी मेरा पूरा कट गया। अब इसमें हम मिलाएंगे ये गोबर की खाद थोड़ी सी, बिना गोबर की खाद मिलाए बहुत जल्दी, इसको मिलाने से बहुत जल्दी मेरी खाद तैयार होगी, क्योंकि ये इसमें कीड़े होंगे तभी इसमें सड़न होगी, और जब सड़न होगी तभी मेरी फर्टिलाइजर बनेगी। और इस तरह से हम इसको मिला देंगे, और इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी मिलाएंगे,
मिट्टी भी हमारे इसको खाद बनने में हेल्प करेगी। और मेरी खाद बहुत जल्दी देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया। अब ये इस तरह से नमकीन के पैकेट सबके घर में आते होंगे खाली, तो ये मुझे मेरे घर में तो यही नमकीन का पैकेट आता है, तो मैं इसको जो है देखिए मैंने मिक्स कर दिया। अब इस मिक्सर को हम इसमें भर देंगे पैकेट में। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से मिला दिया है फ्रेंड्स। ये खाद आप अपने किसी भी, ये पोटेशियम सबको पता है कि फ्लावरिंग के लिए बहुत फ़ायदा करता है, और ये प्योर पोटेशियम युक्त खाद है, शुद्ध बिल्कुल। और इसको बना के इस तरह से बनाइए और अपने फूल वाले पौधों में, अब मेरा सीजन आ रहा है विंटर का, तमाम हम लोग फ्लावरिंग प्लांट लगाएंगे, जिनका कि जो विंटर के प्लांट होते हैं उनका बहुत कम टाइम होता है, उतनी देर में उनको 3 महीने के अंदर ग्रोथ भी करनी रहती है, फ्लावरिंग भी करनी रहती है, तो उनको पोटेशियम वाली खाद बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए इस तरह से इसकी जिप लगा दीजिए। अब ये देखिए पैकेट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको आप कहीं भी छाए वाली जगह में रख दीजिए, कोई कि नहीं कि पानी इसमें पड़ेगा कि कुछ पड़ेगा, और इस तरह से इसको, और 1 महीने के अंदर ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। जब तक कि मेरे विंटर प्लांट्स आएंगे, नवंबर के शुरुआत से ही आने लगते हैं, कहीं कहीं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र जहाँ ठंडक होती वहाँ तो आ गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ नहीं आए हैं, तब इनको हम फ्लावरिंग प्लांट में डालेंगे, फिर आपसे अपनी इस फर्टिलाइज़र को शेयर करेंगे।